सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन को। जहां हमें देखने को मिलेगा दो नदियों का संगम जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दो फीट पानी कितना पावर से ढकेलता है दोस्तों। यहाँ पर छोटी सी बोट राइड मुझे मिल गई है। यहाँ मेरे पैरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहाव है। तो हम लोग संगम को इस तरह से पार कर रहे हैं। देखिए, बाघ नदी को क्रॉस करने के लिए लगभग मेरे को 10 मिनट लग गए। लगभग 1.5 फीट पानी है बस। सब चड्डी चेंज कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, उधर वहाँ ज्यादा था। आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है कुछ इस प्रकार से। हैप्पी बर्थडे टू यू, लेके फोन भी आ गया। देखिए दोस्तों, पानी कितना साफ है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। रेती बहुत ज्यादा गर्म है और पैर जल गए, पैर के तलवे। एक चीज मुझे अभी रियलाइज हुई दोस्तों, पानी में चलते हुए पार करते हैं तो आपके पैर नहीं जलते हैं। नाव वाले भैया वहां तक ले जाएंगे दोस्तों। आपके बैल है ना, नहला दिए। मेरा एंटरटेनमेंट इतना ही है दोस्तों। यूपी आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है शिव धाम बिरसोला। यहाँ पर वैनगंगा नदी और बाघ नदी का संगम हमें देखने को मिलता है दोस्तों। शिव धाम बिरसोला महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बिरसोला नामक गाँव के पास स्थित है। यही वो संगम है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इस तरफ मेरे सामने से आ रही है वैनगंगा नदी जो कि बालाघाट की ओर से आ रही है, मध्य प्रदेश की ओर से। और इस तरफ से आ रही है बाघ नदी, और बाघ नदी जो है वो राजनगांव की ओर से आ रही है। दोस्तों, वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल मुंडारा गांव के रजोला ताल में स्थित एक कुंड है। उस कुंड से निकली है वैनगंगा नदी। और बाघ नदी का उद्गम स्थल दोस्तों राजनगांव जिले में स्थित फुलझारी पर्वत से हुआ है, वहाँ से बाघ नदी निकली है। और वैनगंगा नदी की कुल लंबाई 569 किलोमीटर है जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्य से होकर गुजरती है। और ये दोनों नदी इस स्थान पर आकर मिलती है, इसे संगम कहा जाता है। ये दोनों नदियों का संगम हमें आज देखने को मिल रहा है इस वीडियो में। और ये दोनों नदियां दोस्तों सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हमें देखने को मिलती है। कुछ मंदिर भी यहाँ पे बनाए गए हैं। और किस तरह से यहाँ पर यहाँ के लोकल्स नाव के जरिए अपनी बाइक को और खुद को इस नदी को पार करते हैं, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, यहाँ पर छोटी सी बोट राइड मुझे मिल गई है इन भैया के द्वारा। भैया जी, क्या नाम है आपका? मानिक भैया जी हैं, उनके द्वारा मुझे फ्री की बोट राइड मिली है। अब मैं इस संगम को पार कर रहा हूँ, मुझे भी मौका मिल गया पार करने का। हेलो बोल दीजिए भैया लोग। हाय दोस्तों, यहाँ पर एक भैया जी मिल गए हैं। आपका नाम क्या है भैया? विनोद भैया जी मिल गए हैं और उन्होंने मेरे को एक बात याद दिला दी कि ये जो नदी है यहाँ पर संगम भी है, साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये बॉर्डर भी है दोस्तों। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर भी यहाँ से मिलती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर में ही स्थित है ये संगम। इस मेड़ वाले रास्ते से होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ दोस्तों। और यहाँ से मैं ये छोटे छोटे से टापू बने हैं रेत के, इससे होते हुए मैं वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक मेरे दोस्त लोग हैं, मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ पर मुझे पैर रखना होगा पानी के अंदर, इस चट्टान में फिसलन हो सकती है लेकिन नहीं है। ओ, पानी ठंडा है। 2 फीट पानी कितना पावर से ढकेलता है उसका अंदाजा लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्यों भैया, है ना? 2 फीट पानी है और कितना तेजी से ढकेल रहा है। आपको कैमरे में अंदाजा नहीं हो रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे बहाव है, लेकिन यहाँ मेरे पैरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहाव है। दूर से लगता है पहुँच जाएंगे जल्दी, लेकिन एक नदी को क्रॉस करने के लिए, बाघ नदी को क्रॉस करने के लिए लगभग मेरे को 10 मिनट लग गए हैं। और अभी 1 बज रहे हैं दोस्तों, 1 बजे की धूप है कितनी कड़कती, और पैर जल रहे हैं मेरे। देखिए दोस्तों, ट्रेन भी जा रही है वहाँ पे। देखिए, ये लोकल ट्रेन है दोस्तों जो बालाघाट और गोंदिया के बीच चलती है। अब अच्छा लग रहा है दोस्तों, रेती बहुत ज़्यादा गर्म है और ये पानी देखिए बहुत पवित्र माना जाता है वैनगंगा नदी का। इस तरह से बॉटल में भर के अपने घर के घर ले जाते हैं लोग, बहुत ही पवित्र माना जाता है। क्यों भैया, है ना? हाँ। जी। और यहाँ पर दोस्तों हर साल मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। देख रहे हैं आप दोस्तों, यहाँ पे बहाव नहीं लग रहा, ये देखिए रोकने से कितना बहाव लग रहा है, देखिए कितना है। ऐसी ऐसी रॉक्स मिलती हैं यहाँ पे। संगीत कैसा लगा?
खाने को स्लीप। दानिश बहुत बहुत मजे आए। मजे आए अंकित भैया? आप अंकित भैया ने ही हमें इस डेस्टिनेशन तक लेके आया। मुझे अंकित भैया की ये प्लेस बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे दो नदियों का संगम हमें देखने को मिलता है। इतनी विशाल नदी हमें देखने को मिलती है, इतनी चौड़ी नदी है दोस्तों कि आप एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए लगभग आधा घंटा लगेगा आपको। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 फीट गहरा पानी है और इस तरफ से आ रही है वैनगंगा नदी और इस तरफ से आ रही है बाघ नदी और बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई देता है बिरसोला धाम, शिव धाम बिरसोला घाट। एंड आई होप आपको ये खूबसूरत सी लोकेशन और ये संगम अच्छे लगे होंगे देखने में। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड ऑल्सो बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही है जोश दोस्तों। एक बार और 1 2 3 Thanks for watching!